बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए जब तक जनता को बताया नहीं जाए तब तक हर एक आदमी इसको आप देख नहीं सकता। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद 74 अमेंडमेंट थी, जो वो कई सालों से पीछे लटकी हुई थी, उसके ऊपर हम सब ने मिलकर, कुछ हमारे साथियों ने सरकार के साथ बाहर रहकर, कुछ हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर, चाहे वो हुई जम्मू कश्मीर में, उसके तहत हमें जो जो डिपार्टमेंट थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, प्राइमरी एजुकेशन थी, PWD थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, PHE, ये डिपार्टमेंट आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधीन है और इस पे आने वाले समय में काम चल रहा है और काम चलेगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये हुई है। इंजीनियरिंग विंग जो मेन हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बैकबोन है, इंजीनियरिंग विंग जब कॉरपोरेशन बनी थी तो हमारे चार ही डिवीज़न थे, दो हमारे डेवलपमेंट के डिवीज़न थे, एक UED हमारे साथ था, तो एक इलेक्ट्रिकल डिवीज़न था हमारा, वो भी पूरा नहीं था। तो आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 12 डिवीज़न की कॉरपोरेशन है। आज हमारे 5 डिवीज़न अपने डेवलपमेंट के हैं, एक प्रोजेक्ट का है 6 डिवीज़न, 4 डिवीज़न हमारे पास PHE के आगे हैं, एक UED का, एक इलेक्ट्रिकल का। कुल मिला के आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 12 डिवीज़न की कॉरपोरेशन है। हम सब ने मिलकर इसको भी आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ी जो बिल्डिंग परमिशन, जहाँ एक मेन शहर में मुद्दा था कि बिल्डिंग परमिशन नहीं होती, बिल्डिंग परमिशन नहीं, मैं ये आप द्वारा बताना चाहता हूँ जम्मू वासियों को कि इस हमारे टेनोर में 230 रेजिडेंशियल बिल्डिंग परमिशन हुई हैं और 250 कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन हुई हैं। और इसका जो रेवेन्यू आया है, इसका रेवेन्यू जब हम आए थे 18-19 में एक करोड़ 46 लाख था, 19-20 में 2 करोड़ 39 लाख हो गया। कमर्शियल है उसके ऊपर भी हमने पूरा अंकुश लगाया, उसकी कलेक्शन सारी POS मशीनों से कर दी है। आने वाले समय में डोर टू डोर जो हमारी कलेक्शन है, ये इसकी गार्बेज घर घर जो हमने, वो भी POS मशीनों से करने जा रहे हैं। 14 एप्लीकेशंस डेथ वर्थ की, ONOCs की और भी जो है वो सारी हमने ऑनलाइन कर दी है। आने वाले समय में बिल्डिंग परमिशन भी पूरी ऑनलाइन हो जानी थी, थोड़ा उसमें देरी हुई है, और उसको भी बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन वो सारी हो जाएगी। और इसके साथ इंजीनियरिंग विंग भी जो हमारा है वो भी सारा हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ताकि किसी किस्म की ये फाइलें गुम जाती हैं, कागज नहीं मिलते हैं। हमारे कॉरपोरेटर, हमारे लोग भी जम्मू वासी परेशान रहते हैं, मेरी फाइल कहाँ गई, पहले बनी थी 19-20-21 भी आ गया। ये सारे काम को नटशट में ये बताऊँ कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पेपरलेस हम करने जा रहे हैं। ये हमारा मिशन है, आने वाले समय में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्कुल पेपरलेस होगी। सिर्फ डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन होने से 200-250 लोग जहां आते थे, इतनी कंजेशन थी, वो खत्म हुई है। लोगों का पेट्रोल बचा है, लोगों का समय बचा है, गाड़ियों के टायर बचे हैं और पोल्यूशन बचा है। इस तरह के और भी जो अच्छे अच्छे कार्य होंगे जो जम्मू वासी हमारे ध्यान में लाएंगे, ऑनरेबल कॉरपोरेटर जो हमें जो गाइड करेंगे, हम सब मिलकर जम्मू के लिए, जम्मू शहर को कैसे बढ़िया बढ़िया अच्छा हम बना सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कॉरपोरेशन के अलावा जम्मू शहर में, चाहे मैं बात करूं गंडोला की, एक फेज़ उसका शुरू हो गया, दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है। चाहे मैं बात करूं जम्मू जू की, उसका काम पहले 20 करोड़ का लगा था, 50 करोड़ का और काम डे एंड नाइट हो रहा है। बहुत जल्द वो भी जम्मू जू इसी साल के अंत तक हमारे सामने आएगा, 50 करोड़ के काम लगे हैं। चाहे मैं बात करूँ मुबारक मंडी की, 66 करोड़ के काम लगे हैं, वहाँ भी काम और हो रहे हैं। आने वाले समय में वो भी दिन दूर नहीं जब मुबारक मंडी का भी सारा सिस्टम हमारे सामने होगा। स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, साइनेंस की बात करूं, चाहे मैं और मुबारक मंडी को भी इल्यूमिनेशन होगा, ये शहर के चारों जो हमारे पुल हैं ये भी आने वाले टाइम में आपको सजे हुए आपको नज़र आएंगे। इसी तरह मांडा शहर है, उसको भी हम स्मार्ट सिटी में ले जा रहे हैं। केनाल हमारी जो है तभी ये वाली अखनूर वाली, इसको और जो तभी वाली है उसको भी हम स्मार्ट सिटी में डाल रहे हैं। इसी तरह जो जो काम शहर में अच्छे हो सकते हैं और हम अच्छे कर रहे हैं, फिर भी आपके द्वारा मैं जम्मू वासियों से अपील करता हूं, कोई भी अच्छा काम आपके ध्यान में आए जिसमें जम्मू शहर अच्छा बढ़ सके, मंदरू का शहर है अच्छी तरफ चल सके, उसके लिए भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हम सब मिलकर 75 कॉरपोरेटर उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।